हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है जिनेकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम एकेट्स, इकोटाइप और इको स्पीसीज, ये तीन टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी महत्ता यानी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। एक्चुअल में क्या कहता है जिनेकोलॉजी या इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा कि इकेट्स और इकोटाइप और इको स्पीसीज पढ़ेंगे। आपको ये टॉपिक सुनते ही लग गया कि नहीं यार, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम्स में सीधे सीधे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखे या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। तो हमने सोचा इसकी एक अलग से ही क्लास बना दी जाए, ताकि बच्चों को दूसरी क्लास के साथ इसको समझने में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और दूसरी क्लासेस उनके लिए लेंदी ना बने। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज जिनेकोलॉजी। जिनेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। ये इकोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो भी पर्यावरणीय या एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि खाने के लिए या वातावरण की जो क्या टेम्परेचर है ना, वहाँ पर वाटर का सोर्स क्या है, वहाँ शेल्टर क्या है, तो इन दशाओं के कारण जो भोजन की उपलब्धता है उनके कारण क्या चेंजेस आए स्पीसीज में, टेम्परेचर के कारण क्या चेंजेस आए, उसके आवास के कारण क्या चेंजेस आए। तो वो जो चेंजेस आए या जो वो जिन वस्तुओं की जिन पर्यावरणीय दशाओं या एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए वो अडेप्ट हुए, वो क्या हो गई, आनुवंशिक रूप से स्थायी हो गई, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लग गई। तो क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशन ऑफ स्पीसीज एंड कम्युनिटीज कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जो वही हमने जो बात की कि जिनेकोलॉजी में किसी भी स्पीसीज का पर्यावरण के प्रति क्या रेस्पॉन्स है और वो रेस्पॉन्स जेनेटिकली फिक्स हो गया है, उसी का अध्ययन हम जिनेकोलॉजी में करते हैं। यहाँ पर ट्यूशन ने कुछ आकारिकी प्रभेद बताए हैं, जैसे कि इकोटाइप, इकेड और इको स्पीसीज। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी प्रभेद। ठीक है, आकारिकी भेद में क्या हो गया कि सर उसका तना कैसा है, उसकी पत्तियां कैसी है, फ्लावर कैसा है, पत्तियों का ओरिएंटेशन कैसा है, या एनिमल के रेस्पेक्ट में देख लिया तो वह सर्दी वातावरण में रहने वाला है या गर्म वातावरण में रहने वाला है। तो ऊंट के जो पैर होते हैं उसके नीचे गद्दियां होती है, ऐसा बताया जाता है ना। तो इस तरह के जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो उसके हैबिटेट के कारण आते हैं। तो ट्यूशन ने इकोटाइप, इकेड और इको स्पीसीज बताया है, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं इसी क्लास में। तो हम हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। एक प्लांट है, ओके, ये एक ड्राई हैबिटेट में रहता है। हैबिटेट का आप मतलब समझ गए होंगे, हिंदी में आवास होता है। और हमने पिछली क्लासेस जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, उसके बाद जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस वाली जो भी क्लास आई है थर्ड और फोर्थ, उनमें हमने जो भी इकोलॉजी में टर्मिनोलॉजी आने वाली थी उसको हम डिटेल में पढ़ा है और उसका डिस्क्रिप्शन हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप वहां जाकर के आवास की डेफिनेशन को पढ़ें और उसको समझें। तो एक प्लांट है जो कि सूखे आवास यानी कि ड्राई हैबिट में रहता है। फिर एक इसी प्लांट को हमने क्या किया, कुछ समय के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रख दिया। मॉइस्ट मतलब कि नम हैबिट हो गया, नम हैबिटेट में रख दिया। ओके, अब कुछ समय बाद ये रहा तो इसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए। जैसे माना कि ड्राई में क्या होता है, ड्राई के लिए क्या चेंजेस जरूरी है कि पत्तियां हो वो छोटी हों ताकि जलवाष्प कम हो, पास पास हो ताकि और कम हो, है ना। और मॉइस्ट में क्या, मॉइस्चर बहुत है, नमी बहुत है, तो क्या होंगी, पत्तियां फैली हुई होंगी। तो इसमें क्या हुआ, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए कि भाई इसकी पत्तियां हैं, इसकी जो लीव्स हैं वो फैल गई। कैसी, क्या हो गई, फैल गई। माना कि एग्जाम्पल्स के लिए ले रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करना। ओके, ठीक है, फैल गई। फिर अब कुछ टाइम हुआ, हमने इसको क्या करा, वापस ड्राई हैबिटेट में भेजा। तो क्या हुआ, इसमें जो चेंजेस आए ना, पत्ती जो फैली हुई थी वो यहां जाकर कैसी होगी, वापस ड्राई हैबिट के अनुसार चेंज हो गई। ठीक है, तो इसमें जो चेंज आया वो हमने क्या करा, जैसे ही हैबिटेट बदला, जैसे ही हैबिटेट बदला वैसे चेंज भी, जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया वो भी कैसा हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि
एनवायरमेंटल, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, एनवायरमेंटल वेरिएशंस या इंड्यूस्ड वेरिएशंस, एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड हो गई है ना, पर्यावरण के हिसाब से चेंज हो गई, और रिवर्सिबल हो गई। रिवर्सिबल अपन पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, पढ़ते हैं आप उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो कि वापस अपने पहले वाली स्थिति में चली जाए उत्प्रेरक को कम ज्यादा करने पर, और इरिवर्सिबल एक बार रिएक्शन हो गई तो वापस किसी हाल में चेंज नहीं होगा। तो रिवर्सिबल क्या हो गया? उत्क्रमणीय हो गया, हो गया ना उत्क्रमणीय, मतलब कि ये कैसा हुआ? फिक्स नहीं हुआ, और फिक्स नहीं हुआ तो मतलब क्या हो गया? ये जेनेटिक जेनेटिकली नॉट फिक्स, जेनेटिकली फिक्स नहीं हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं गया, वापस क्या हो गया? अपने हैबिटेट को चेंज करते ही चेंज हो गया। ठीक है, आपको ये समझ में आया? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह का कोई एग्जांपल लिया। एक प्लांट है, उसको हमने ड्राई में रखा, ओके, फिर उसको हमने मॉइस्ट में वो चला गया, मॉइस्ट हैबिट में वो चला गया, ओके। अब हमने क्या किया, उसका हैबिट में, उसका हैबिट हमने चेंज किया और उसको वापस ड्राई में लाया, तो क्या हुआ? ड्राई में लाए तो एनवायरमेंट चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे वो चेंज नहीं हुए। मतलब पहले यहाँ पर क्या हो रहे थे, इस जगह पर क्या हो रहे थे, जो भी आकार की जैसे पत्तियां फैली हुई थी तो वापस कैसी हो गई? ड्राई के हिसाब से सिकुड़ गई है ना, या और कोई चेंज आ गया उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ड्राई से मॉइस्ट में आया तो उसके कुछ चेंजेस आए, उसने कुछ चेंज किया अपने शरीर में, लेकिन वापस जब ड्राई में ले गए तो उसके शरीर में कोई चेंज नहीं आया, वो मॉइस्ट की तरह ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस मॉइस्ट एनवायरमेंट वाले का क्रॉस इस ड्राई वाले के साथ करवाते हैं, प्लांट के साथ है ना, तो क्या होगा? कोई वाइबल पैदा नहीं होगा। और वाइबल पैदा नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी इसमें वेरिएशंस आई थी वो कैसी हो गई? फिक्स्ड वेरिएशंस। वेरिएशन कैसी हो गई? फिक्स्ड हो गई, और इससे ये अलग हो गया तो क्या हुआ है? ये एक तरह से इकोटाइप हो गया, इकोटाइप वन हो गया ये, और एक ये इकोटाइप टू हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? इकेड हो गया, जिस तरीके इसने कैरेक्टर्स शो किए। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था इकेड्स और इकोटाइप को, जो मैंने आपको डायरेक्ट समझाया है। आगे आइए हम इसको और डिटेल में समझेंगे। इकेड, इकेड को हिंदी में कहा जाता है पारिज, इसको याद रखें, हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है आगे चल कर एग्जाम्स में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम आपको पूरा बताएंगे। जैसा कि हमने बताया था, जो पहला वाला एग्जाम्पल था वेरिएशंस कैसी थी, एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड, मतलब पर्यावरण प्रेरित थी, और एनवायरमेंट के अंदर जो भी अडेप्टेशन आता था वह टेम्परेरी होता था, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता था, और जेनेटिकली सिमिलर मतलब अनुवांशिक रूप से समान ही तो थे। भाई पहले ड्राई में रखा, सॉरी इसको एक बार ढंग से बना लेते हैं, एक बार ड्राई में रखा फिर ड्राई से मॉइस्ट में ले गए, और मॉइस्ट में कुछ चेंजेस आए, फिर वापस इसको ड्राई में लाए, तो ये क्या हो गया? इसके साथ सेम ही रहा, इसके करेक्टर वापस ऐसे हो गए, तो चेंज नहीं आया जेनेटिकली। तो जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से कैसे है, ये समान ही है, कोई चेंज नहीं है, ओके। लिखा हुआ जैसे कि वेरिएशन आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया यूफोर्बिया हिल्टा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये काफी एग्जाम्स में आता है और बहुत सारी बुक्स में ये दिया हुआ है, तो इसको आप समझें, आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, या फिर एग्जाम्स में अगर आप लिखते हो एग्जाम्पल्स तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं यूफोर्बिया हिल्टा। यूफोर्बिया हिल्टा के दो इकोटाइप हैं, इकोटाइप बात हो रही है, एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं इकेड के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं इकोटाइप की, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझे मैं जो बोलने जा रहा हूँ, बहुत मजे की बात है। तो दो इकोटाइप होते हैं, एक तो मॉइस्ट हैबिट में रहने का और एक है ड्राई हैबिटेट में रहने का, ओके ठीक है। फिर जो ड्राई हैबिट वाला है, ये जो ड्राई हैबिट वाला है, इसके दो इकेड है। दो इकेड कैसे हैं? सर दोनों ही प्रोस्ट्रेट हैं, ठीक है सर। दोनों ही ड्राई में उगते हैं, ओके सर ठीक है। दोनों
अगर एक ही के कैट के हैं तो दोनों के हैबिट सेम ही रहेंगे ना, पर उनका मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया कैसा आया कि सब एक प्रोस्टेट रहता है, प्रोस्टेट को हमने हिंदी में बोला शयान, बोला शयान मतलब सोई हुई मुद्रा में, ओके। और दूसरा भी क्या है, शयान है, लेकिन लेकिन पहला वाला सिर्फ प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का मतलब हो गया ये कोई प्लांट है इस तरह का, एक सेकंड, ये कोई प्लांट है, ये इस तरह से उग रहा है, ऊर्ध्व स्थिति में उग रहा है, और शयान है तो वो इस स्थिति में उग रहा है, सोया हुआ है ना। तो लेकिन दूसरे में डिफरेंस क्या है कि सर ये कॉम्पैक्ट है, मतलब कि ये सघन है, सघन है ना, मतलब ये कॉम्पैक्ट है। अभी कॉम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि सर यहाँ पर क्या होता है कि ट्रैम्पलिंग ऑन फुटपाथ, ये फुटपाथ पे उगता था तो लोग इस पे चलते थे तो ये सिकुड़ गया, इसने अपनी बॉडी को सिकोड़ लिया और सघन हो गया, तो अंतर आ गया ना। लेकिन लेकिन इसको जैसे ही हमने फुटपाथ से यहाँ पर भेज दिया हार्ड सॉइल में, फुटपाथ से हटा के, तो ये वापस कैसा हो गया, प्रोस्टेट हो गया। प्रोस्टेट हो गया मतलब कि चेंज जो थे वो कैसे थे, एनवायरमेंटली इंड्यूस, ठीक है, उसको किस परिस्थिति में रखा है, वो परिस्थिति हटते ही वो वापस आ गया, मतलब कि आनुवंशिक रूप से वो क्या हुआ, फिक्स नहीं हुआ, टेम्परेरी रहा और बदल गया। तो इस ये एग्जाम्पल क्या हो गया, इकेड हो गया। इकेड का क्या मतलब हुआ कि सर इसको एक बार और समझते हैं कि सर इकेड क्या हुआ, वेरिएशंस कम समय के लिए होती है, मतलब कि पर्यावरणीय दशाएं बदली और वह भी बदल गया, ठीक है, पर्यावरणीय दशाएं बदली वह भी बदल गया, मतलब कि फिक्स नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं गया, तो आनुवंशिक रूप से क्या हो गया, अस्थाई हो गया, ओके। फिर हम इसको समझते हैं, हम इकोटाइप को, इसको आपको समझने में और आसानी होगी क्योंकि आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। अब आया इकोटाइप, इकोटाइप, इकोटाइप को हिंदी में बोला पारी रूप, इसको ध्यान रखें हिंदी वाले आप, ठीक है। अब ये बोल रहा है बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनेटिक स्टॉक, डिफरेंट कैसे जेनेटिक, कि हमने पहले बात जो की वो ड्राई की थी हमने बात, ठीक है, ये क्या सर ये ड्राई में था, फिर ये इसको मॉइस्ट में भेजा, फिर ये बहुत साल तक मॉइस्ट एनवायरमेंट में रहा, फिर इसको हमने ड्राई वाले के हैबिटेट वाले के साथ सदस्य के साथ मिलाया, तो इसने वाइबल ऑफस्प्रिंग या जीवित जनन संतति उत्पन्न नहीं की, उत्पन्न नहीं की, तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई, अलग अलग वस्तुएं हो गई, ठीक है। अब इसे कुछ कैरेक्टर्स है जिनको देखते हैं, जो आपको मैं समझा चुका हूं। फिर ये बोलता है परमानेंट वेरिएशंस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, परमानेंट मतलब स्थायी और अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब इसको अगर यहां से यहां लाते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल या आकार की कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके जो कैरेक्टर्स नम वातावरण के हैं वो वही रहेंगे, जो ड्राई वाले वो वही रहेंगे। तो देयर डिफरेंसेस विल नॉट चेंज इफ ग्रो ग्रोन इन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक ही अगर आवास में उगाएंगे तो चेंज नहीं होंगे, वही बात है। एज दे आर इंटरफर्टाइल कैन पुट इन सेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप, मतलब कि ये एक एक दूसरे से जनन की क्रिया तो कर सकते हैं लेकिन वाइबल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न नहीं कर सकते, तो इंटरफर्टाइल तो हैं पर ये क्या करेंगे, इनको एक ही टेक्सोनॉमिक ग्रुप में रखा जाएगा। भाई अंतर ही तो आया, एक गर्म में उग रहा है और एक ठंडे वातावरण में उग रहा है तो एक ही ना, तो टेक्सोनॉमिकली क्या हो गई, ये सेम हो गए, सेम ग्रुप में आ गए, टेक्सोनॉमिक ये स्पीसीज हो गई, ठीक है। इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल यूफोर्बिया हिटा वाला ही है, मैंने बोला था ना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यूफोर्बिया हिटा के दो इकोटाइप है, पहला एक ड्राई हैबिटेट में उगता है जो कि प्रोस्ट्रेट है, और एक मॉइस्ट हैबिट में उगता है जो कि इरेक्ट है। प्रोस्ट्रेट कैसा हो गया, मैंने बताया पहले इस तरह से शयन, और एक इरेक्ट कैसा हो गया, ऐसा हो गया मतलब कि ऊर्ध्व स्थिति के अंदर, ओके। तो ये कह रहा है कि यूफोर्बिया हिटा पहले दो इकोटाइप है जो शुष्क निवास में विकसित करते हैं और नम निवास में विकसित होना, जो कि स्तंभ का प्रकार है, स्तंभ वही मतलब इरेक्ट की बात करेगा, ये यहाँ पर इरेक्ट बोलेंगे, ऊर्ध्व बोलेंगे इसको। तो इकोटाइप में क्या हुआ कि वेरिएशंस परमानेंट हो गई, परमानेंट कैसे हो गई कि सर वो आनुवंशिक रूप से स्थायी हो गई, आनुवंशिक रूप से स्थायी का मतलब हो गया कि सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लग गई, और वो इंटरफर्टाइल तो थी पर वाइबल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न या जनन संतति उत्पन्न नहीं कर रही थी, इसलिए वह टेक्सोनॉमिक स्पीसीज तो कहलाई लेकिन वह दो इकोटाइप बन गई, एक स्पीसीज की इकोटाइप वन और इकोटाइप टू। तो यूफोर्बिया हिटा के दो इकोटाइप कैसे हो गए, एक तो प्रोस्टेट वाला और एक है इरेक्ट वाला, जो कि एक ड्राई में रहता है एक उसमें रहता है। फिर इनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये यूफोर्बिया हिटा का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, एक ये ड्राई कंडीशन वाला है, एक मॉइस्ट वाला है। वैसे ये जो बियर बताया गया है ये पोलर बियर है, ये ग्रिजली बियर है। ग्रिजली बियर क्या होता है,
ग्रिजली बेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा और ये पोलर उसमें मिलेगा। अब आप इसमें अंतर लगा सकते हैं कि पोलर में पोल्स पर रहने के लिए क्या अडेप्टेशन चाहिए और ट्रॉपिकल में रहने के लिए क्या अडेप्टेशन चाहिए, है ना। वैसे ही यहाँ पर एक ब्रायोफाइट है, साइकोमेट्रिया पैटर्न, इसके भी एक अलग अलग वेरियंट्स है मॉर्फोलॉजिकली। आपको दिख ही रहा होगा इसके अलग अलग कलर जो है, इसका क्लोरोफिल का जो डेंसिटी है, इंटेंसिटी है कलर की, वो क्या है, अलग अलग है ना। वैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म हो गए सरफेस फीडिंग, सोइल फीडिंग या डीप लिविंग, मतलब कि जो लिटर है या अर्थ सरफेस है जहां पर ये ग्रो होता है उस लेवल के हिसाब से बताया गया है कि सर जैसे कि ये सरफेस है तो सरफेस फीडर क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा सरफेस के आसपास ही होगा, है ना, सरफेस के आसपास ही होगा या लीटर में होगा। फिर दूसरा है सॉइल फीडिंग, थोड़ा लीटर के नीचे थोड़ी सी क्या होती है, सॉइल होती है, तो ये सॉइल के अंदर रहता है, प्रॉपर सॉइल के अंदर। और एक और बताया गया है इसमें ये डीप लिविंग, तो ये नीचे की तरफ कहीं रहता है, माना कि ये इतना नीचे है कहीं डीप में रहता है। अब ये कहते हैं इकोटाइप क्या कहता है कि सर हमने इसका आवास बदला है, एपिजिक, एंडोजिक और एनिक को, हमने इसको ऊपर भेजा, ऊपर वाले को यहाँ लाया, क्या ये जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। क्या इनके जो नीचे रहने वाले सदस्यों के साथ ये इंटरेक्शन दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, ये भी नहीं दिखा पाएंगे, या ये भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गए, इकोटाइप हो गए, इनकी जो वेरिएशन है वो फिक्स हो गई है, आवास के अनुसार या हैबिट के अनुसार ये चेंज नहीं होगी। तो आपको इकोटाइप समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इतने एग्जांपल्स लिए हैं जो कि आपको पूरी पूरी मदद करेंगे। तो बच्चों इसको आप ध्यान से, क्लास को नहीं समझ में आया तो एक बार और देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया आएगा। फिर आइए एक और हम टर्म है उसको देखते हैं, इको स्पीसीज। इको स्पीसीज क्या होती है, जिसको हम पारिजाति कहते हैं, ये एक वर्गीकरण की इकाई होती है। ये वर्गीकरण की इकाई कैसे होती है, आइए हम देखते हैं। ये दो हैबिट, कुछ हैबिटेट हो गए। अब यहाँ पर एक इकोटाइप है ए, एक है बी, एक है सी, ठीक है, और एक इकोटाइप है ई, डी, एफ, है ना, ये तरह के कुछ, ये तीन इकोटाइप हो गए। ओके, ये तो क्या हो गया, समूह क्या हो गया, इको स्पीसीज वन, और ये इको स्पीसीज, ये भी क्या है, इको स्पीसीज, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ही भाषा में, कंटेन्स वन और मोर इकोटाइप, ठीक है। यहाँ पर ये जो बट है, यहाँ पर ये इस तरह सा ये बॉट नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है ऑल दो इंटर फर्टाइल बट डू नॉट क्रॉस, एटलीस्ट डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग, मतलब कि ये एक इकोटाइप है, ये एक इकोटाइप है, ये इकोटाइप है, ठीक है। अगर ये आपस में, ये वाला इकोटाइप यहाँ से और यहाँ वाला इकोटाइप यहाँ से, अगर आपस में ये जनन करते हैं, या जनन करने की गलती से जनन हो जाए, हो ही जाता है, अगर ये दो इकोटाइप की, दो इको स्पीसीज की अगर ये बाउंड्री है, तो रैंडमली प्लांट्स हैं उनमें पोलेंस इधर से उधर आ ही जाते हैं, तो क्या होगा, वाइबल ऑफस्प्रिंग, जीवित संतान, ये व्यवहारिक संतान, व्यवहार मतलब या तो हो भी गई तो जननक्षम नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, इस तरह से क्या होगा, ये वाइबल संतति या वाइबल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो ये क्या हो गई, दो इको स्पीसीज हो गई, दो इको स्पीसीज हो गई। तो आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि साहब ये एक इको स्पीसीज है, इसके तीन इको टाइप है, जैसे कि अर्थवर्म बताया मैंने, एक अर्थवर्म है उसके तीन इको टाइप हो गए, है ना, एपीजी को एनेक हो गया, ठीक है, वो आप पीछे देख लेना एक बार जाके, एक एनेक हो गया, एक एपीजिक हो गया, एक एंडोजेक हो गया, इसी तरह से यूफोर्बिया हिटा तो था एक ही, और उसके दो इको टाइप हो गए थे, आपने देखा ना, दो इको टाइप कौन कौन से हो गए सर, एक प्रोस्टेट वाला, एक इरेक्ट वाला, एक खड़ा रहने वाला, एक लेट कर वृद्धि करने वाला, ओके, एक मॉइस्ट में रहने वाला, एक ड्राई में रहने वाला, स्पीसीज एक ही है यूफोर्बिया हिटा, पर इको टाइप कैसे हो गए, दो हो गए। अब दो हो जाएंगे, फिर एक और स्पीसीज हो गई, उसके भी दो हो गए इको टाइप के, जैसे कि इस एग्जांपल्स में हमने लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, टैक्सोनॉमिकली हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गए, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी हो गई। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उनको और अच्छे से आपके लिए लेकर आ सकें, और हमारी और भी इकोलॉजी की क्लासेस आएंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासेस आएंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे जो भी वीडियोस हैं पीछे वाले वो लगातार देखें, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस समझ में आए। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।